So टूर्नामेंट आएंगे आएंगे के, तो के, के, के लीग के अलग होते हैं तो सारे ही फिक्सर्स में आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में सिखा दूंगा मैंने आप लोग को बोला था कि मेरी जो लास्ट वीडियो मैंने डाली हुई है वो भी सफिशियंट है तो अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो आपको ये वीडियो पूरा देखने की नीड नहीं है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 43 मिनट्स पे जाओ वहां पे शुरू होगा टैबुलर मेथड ठीक है जो कि नया एड ऑन हुआ है इसी साल वो प्रीवियस वाली वीडियो में नहीं है तो आप डायरेक्टली टैबुलर मेथड देखो बाकी सेम वही है जो मैंने प्रीवियस ईयर कराया हुआ है तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपका फिक्चर में कोई डाउट नहीं रहेगा और आप बहुत अच्छे से एग्जाम में सारे फिक्चर बना लोगे चलिए जल्दी से लेट्स बिगैन करते हैं हम लोग सबसे पहले टूर्नामेंट के साथ तो सर टूर्नामेंट क्या होता है टूर्नामेंट का मतलब एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर बहुत सारी टीम्स आ रही होंगी जिनके आपस में बहुत सारे मैचेस होंगे अब वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करे जाएंगे ये हमें आज सीखना है तो पर उससे पहले टूर्नामेंट देख लो टूर्नामेंट इज अ ऑफ गेम्स और मैचेस प्लेड अमंग द प्लेयर्स और टीम्स टू डिटरमाइन द विनर इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टूDemonstrate स्किल्स इवैल्यूएट परफॉरमेंस एंड मोटिवेट प्लेयर्स टू परफॉर्म वेल सही है जी

तो वो बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट से फिर वो दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा लीग में क्या होता है लीग में मौका मिलता है तो लीग का दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास दूसरा नाम याद रखना राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जो होता है ये भी लीग के अंदर आता है अब लीग में क्या होता है कि टीम को एक सेकेंड चांस भी मिलता है सर क्यों मिलता है क्योंकि लीग में ना हर टीम हर टीम से टकराती है मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि आपका बाकी टीम से आपको खेलने का मौका ही नहीं मिला बस एक टीम से खेले और आप बाहर हो गए नहीं आपके मैचेस होंगे सभी टीम्स के साथ अब इसके अंदर भी दो तरीके की लीग्स होती हैं सिंगल लीग और डबल लीग अगर आपका हर टीम के साथ एक एक मैच हो रहा है तो सिंगल लीग दो दो मैचेस हो रहे हैं तो डबल लीग तो ये हमारे पास लीग में आ जाता है ठीक है नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है जब बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट हो तो हम ऐसा कर लेते हैं कि शुरू के कुछ जो पर्टिकुलर मैचेस हैं वो रखे जाएंगे लीग और बाद में बस नॉकआउट हो जाएंगे जैसे हम लोग यूजुअली देखते हैं कि क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं नॉकआउट होते हैं कि भैया गए तो बाहर अब दूसरा राउंड नहीं मिलेगा उससे पहले चांस मिलता है है ना तो तीन प्रकार के टूर्नामेंट्स हैं नॉकआउट लीग एंड देन कॉम्बिनेशन अब हम पढ़ रहे हैं फिक्सचर्स बायज एंड सीडिंग्स इनको ध्यान से समझ लो फिक्सचर्स क्या होता है फिक्सचर्स का मतलब सीधा सीधा अरेंजमेंट फिक्सर्स का मतलब क्या है अरेंजमेंट अब भैया टूर्नामेंट में तो बहुत सारी टीम्स होंगी ना तो उन टीम्स में कौन सी टीम किससे खेलेगी इसका प्रॉपर अरेंजमेंट कौन से मैच कब होगा किस टीम के साथ होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं है. है. तो, है तो, है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं फिक्सर्स क्या है टर्म फिक्सर्स रेफर्स टू प्रोग्राम्स लिस्टिंग विच टीम प्ले विद होम वेयर एंड वेन फिक्सर इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द टीम्स इन सिस्टमैटिक ऑर्डर क्लियर उसके बाद आता है बाईस बाईस क्या आता है देखो बाईस बेसिकली ऐसा होता है कई बार जब हम फिक्सचर्स बनाते हैं तो हमारे पास ना एक टीम अलग रह जाती है तो हम उसको बोलते हैं चलो ठीक है यार रा, आप राउंड वन में मत खेलो आप राउंड टू में खेलना राउंड का मतलब होता है कि एक अरेंजमेंट में हम अलग अलग, अलग राउंड्स बनाते हैं जैसे सपोज चार टीम्स हैं ए बी सी डी ए बी से खेलेगी सी डी से खेलेगी पहला राउंड हो गया फिर इन दोनों में से जो जीतेगी वो सेकेंड राउंड में जाएगी सपोज ए जीत गई और सी जीत गई दूसरा राउंड फिर विनर तो ये राउंड्स हैं अब सपोज अगर पांच टीम हो तो फिर अब क्या होगा हमारे पास सर ए बी सी अलग हो गई डी uh, और ई e अलग हो गई इसको हम अपर हाफ और लोअर हाफ बोलते हैं ये कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डिवाइड करना है ग्रुप्स कैसे बनाने हैं अब सपोज ए और बी का हो गया डी और ई e का हो गया सी अलग रह गई तो सी को क्या देना पड़ेगा बाय देना पड़ेगा सी को हम क्या देते हैं बाय देते हैं कि आप अगले राउंड में खेलना इस राउंड में आपका नंबर नहीं आ रहा समझ गए तो क्या है बाइस बाई अ टीम इज नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेंट

एक से ज्यादा मैचेस ना आ जाए या मल्टीपल मैचेस ना आ जाए थक जाएगी वो इसको अवॉइड करने के लिए भी हम लोग कई बार बायस यूज करते हैं ओके okay? अब होता है हमारे पास सीडिंग सीडिंग क्या है बेसिकली सीडिंग होता है अब देखो बायस और सीडिंग में ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सबसे पहले बायस का मतलब क्या होता है कि आप फर्स्ट राउंड में मत खेलो सीडिंग भी यही है कि आप शुरू में मत खेलो आपको मौका देंगे आप आगे खेलो

बढ़िया टीम बाहर हो गई तो टूर्नामेंट का अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा जैसे हम जब भी वर्ल्ड कप्स देखते हैं अगर वर्ल्ड कप में इंडिया को छोटी टीम्स के साथ आप खिलाओगे शुरू में और इंडिया बाहर हो जाए तो इतने पूरे वर्ल्ड में टूर्नामेंट्स को कौन देखता है सबसे ज्यादा इंडियंस ही तो देखते हैं इंडिया ही बाहर हो जाएगा तो क्या होगा इसीलिए इंडिया को कभी भी शुरू में छोटी टीम से नहीं खिलाया जाएगा इंडिया को मौका दिया जाएगा कि आप बड़ी टीम के साथ खेलो और बाद में खेलना इसको हम क्या बोलते है? सीडिंग बोलते हैं हैं सीडिंग तो सीडिंग बेसिकली रैंकिंग्स के आधार पे टीम को आगे पुश करा जाता है जो अच्छी टीम्स है उन्हें बाद में खिलाया जाता है और बायस तो ड्यू टू ऑर्डर के हिसाब से वो बायस तो जन्मे है उसमें तो किसी को भी बाय मिल सकता है ठीक है तो क्या लिखा प्रोसेस इन विच विल बी प्लेस्ड इन सच मैनर दैट गुड टीम दैट रैंकिंग और प्रीवियस ईयर पोजिशन डू नॉट मीट अनदर टीम एट एन अर्ली स्टेज अर्ली स्टेज पर उसको नहीं भिड़वाते आपस में प्रोसीजर इज जनरली इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस द चांस ऑफ ऑफ गुड टीम्स एट द अर्ली स्टेज ठीक है अब हमारे पास आ रहा है कि सर हम फिक्सर्स कैसे बनाते हैं फिक्सर सीखने के लिए आप कॉपी पेन लेके आओ हम मैं चलता हूं नोट पे आजा भाई नोट आ गए सर लो जी हाउ टू ड्रॉ फिक्सर फिक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं पहले नॉकआउट टूर्नामेंट में सीखेंगे उसके बाद लीग टूर्नामेंट में सीखेंगे आप अपनी कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर लेना और ऐसे ही एक पूरा चार्ट तैयार करना ताकि आपके पास हर चीज लिखी हुई हो ठीक है अब देखो हाउ टू ड्रॉ फिक्स में कुछ स्टेप्स हैं हैं जो आपको आपको अपने पास नोट करके चलने और वो आपको हेल्प करेंगे ड्रॉ करने में सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट आपको पता होना चाहिए कैसा टूर्नामेंट है जिसमें टीम अगर एक बार हार गई तो बाहर हो जाएगी उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो अब क्या है अगर इवेंट टीम्स हैं तो क्या करना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आठ टीम चार टीम छह टीम इवन टीम्स के फिक्सचर ड्रॉ करने है एक मैं बना के दिखाऊंगा एक आपको होमवर्क दूंगा टीम्स हैं, तो जो टू के मल्टीपल में नहीं होंगी तीन पांच सात नौ टीम्स जैसे मैं यार थर्टीन टीम्स का फिक्सचर बना के दिखाऊंगा आपको है ना तो अब इसके अंदर आपको क्या करना है सबसे पहले ये बेसिक चीज नोट डाउन करो बेसिक चीजें क्या है लो टोटल नंबर ऑफ टीम्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं एन से टोटल नंबर टीम्स क्या बोली जाएंगी एन ठीक है उसके बाद मैचेस कितने होंगे 7 ठीक है? Rounds. Rounds आपको बताई दिए कि राउंड किस तरीके से डिसाइड होते हैं टू की पावर एन देखना होता है सर ये टू की पावर एन क्या है टू की पावर एन भी मैं अभी आपको बताता हूँ बस दो मिनट का टाइम दो मुझे फिलहाल नोट कर लो टू की पावर एन और ये जो एन है ना यही नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं ठीक है उसके बाद अगर इवन टीम्स हैं तो अपर हाफ और लोअर हाफ में कितनी टीम होंगी एन बाई टू जैसे अभी आठ टीम थी तो एट बाय टू चार टीम ऊपर वाले हाफ में होंगी चार टीम नीचे वाले हाफ में होंगी ठीक है अगर ओड है तो एन प्लस वन बाई टू एन माइनस वन बाय टू यह भी मैं आपको अभी सिखाऊंगा ये भी काम आएंगे पहले इसको नोट डाउन करो ये आपको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेने हैं कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है मैच कितने होंगे राउंड्स कितने होंगे इवन है तो अपर और लोअर में कितनी टीम्स होंगी और ओड है तो अपर और लोअर में कितनी टीम्स होंगी ठीक है परफेक्ट है बस ये याद रखना अगर ओड है तो जो ऊपर वाला हाफ होगा ना अपर हाफ होगा उसमें एक टीम ज्यादा होगी बस फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें एक टीम ज्यादा होगी ओके तो ये नोट करो उसके बाद मैं आपको सिखाता हूं एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि है हाउ टू कैलकुलेट द बायस कैसे कैलकुलेट करने हैं बाय कैसे देने हैं तो बाय में भी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टीम्स कितनी है एनसीडी नोट होगा उसके बाद आप पावर ऑफ टू चेक करो ऐसे लिख लेना टू की पावर वन टू की पावर टू टू की पावर थ्री टू की पावर फोर अब ये आ गया टू फोर एट सिक्सटीन मिल गया है, नहीं मिल गया अब आपको क्या करना है जो बाय देना है वो नेक्स्ट हाइयर पावर पे देना है ठीक है वो किस पे देना है नेक्स्ट हाइयर पावर पे जैसे हमारी जो नंबर ऑफ टीम्स थी वो आठ थी नंबर ऑफ टीम्स एट थी जो इवन में हम लोग ले रहे हैं तो अब चेक करो क्या एट यहाँ पे कहीं आता है टू फोर एट ये आ गया एट तो अगर आ जाता है तो यहां पर आपको कोई भी बाय देने की जरूरत नहीं है ठीक है फॉर्मूला क्या होता है टू की पावर एन माइनस एन यानी हमारे वाले केस में एट माइनस एट तो बाइज जा आ जाएंगे जीरो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्क क्वेश्चन अगर जो आपका नंबर ऑफ टीम्स है वो टू के मल्टीपल में है टू के पावर में है मल्टीपल में नहीं पावर में टू के पावर वन टू थ्री फोर जैसे सिक्स भी टू का मल्टीपल है लेकिन वो यहाँ नहीं होता ठीक है तो अगर वो पावर्स में आ जाता है तो फिर उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो बाइज होंगे वो जीरो होंगे ओके प्रोसीजर क्या है बाय देने का वो है नून ये थोड़ा सा ध्यान से मैं थोड़ा फनी बनाया ताकि आप भूलो ना नीचे ऊपर ऊपर नीचे कैसे अभी बताऊंगा उसके बाद नंबर ऑफ बाइज कितने होते हैं अगर इवेंट टीम्स हैं जैसे आठ हैं हमारी आठ टीम्स थी तो बाइस डिवाइड बाई टू ठीक है इस बार तो हमारे बाइस ही नहीं थे सही है ना तो वो आपको उस हिसाब से देख के चलने हैं राइट और ओड है तो नंबर ऑफ बाइज माइनस वन पॉइंट टू नंबर ऑफ बाइज प्लस वन पॉइंट टू ये कैसे होता है ये भी मैं आपको सिखाता हूं अभी रुक जाओ फिलहाल नोट कर लो आप इसको ये सब तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए कहां कहां यूज होगा कैसे कैसे होगा वो मैं भी बताता हूं नोट करो इसको हो गया डन चलो अब एक काम करते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से फिक्सचर्स बनाना तो नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए जैसे आठ टीम के लिए बनाना है ठीक है तो अब मैंने आपको क्या बताया है? सबसे पहले तो एन ढूंढ लो एन का मतलब नंबर ऑफ टीम्स हमारी कितनी हो गई आठ हो गई उसके बाद मैचेस देख लो कि मैचेस कितने होने वाले हैं मैचेस होंगे एन माइनस वन यानी कि एट माइनस वन सात मैच होंगे सही है सात मैच होंगे उसके बाद ढूंढो बाइज क्या हमें बाय देने हैं तो बाईज में हम देख देखते हैं टू की पावर टू की पावर वन या ऐसा ले लो टू की पावर एन माइनस एम ठीक है ना माइनस एन नंबर ऑफ टीम्स तो यहां पे जो था टू की पावर कौन सी चलेगी टू की पावर वन पे तो टू हो जाता है टू की पावर टू पे फोर हो जाता है टू की पावर थ्री पे एट हो जाता है ये आ गया सेम हो गया ना सर अगर सेम ना हो तो सेम ना हो तो नेक्स्ट हायर पावर लेनी है अभी वो भी दिखाऊंगा ठीक है तो यहां पे तो आ गया एट माइनस एट तो यहाँ तो जीरो बाय जीरो हो जाएंगे ठीक है इस केस में कोई बाय नहीं देना पड़ेगा सही है सर सर अपर हाफ में कितनी टीम होंगी और लोअर हाफ में कितनी टीम होंगी? तो यहां पे देखो अब इवन नंबर है अगर इवन नंबर है तो मैंने क्या बताया एन बाई टू सीधा सीधा इवन नंबर है तो एन बाई टू एन बाई टू अगर आप करोगे तो कितने नंबर ऑफ टीम्स हैं? एट एट बाई टू चार ऊपर चार ऊपर होंगी चार नीचे होंगी चलो शुरू करते हैं फिर देखो वन टू थ्री फोर फाइव वन एट आठ टीम हो गई ये तुम्हारा अपर हाफ और लोअर हाफ हो गया ये आपका अपर हाफ हो गया चार टीम ऊपर और ये आ गया लोअर हाफ चार टीम नीचे ठीक है वेरी सिंपल अब आपको देखना है कि सर राउंड्स कितने होंगे नंबर ऑफ राउंड्स राउंड्स कितने होंगे मैंने बताया था टू के पावर एन में जो एन होता है वो राउंड्स होते हैं तो हमारी टू के पावर थ्री आई थी ना तो नंबर ऑफ राउंड्स तीन होंगे यहाँ पे ये टू की पार एन यहाँ पे हमने तीन वाला लिया था ना तो तीन राउंडस होंगे तो यहाँ पे डालूंगा राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री तीन राउंड में टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा समझे अब देखो बाईस की हमें जरूरत ही नहीं है सिंपली क्या होगा पहले राउंड में ये फर्स्ट वाली टीम दूसरे वाली टीम से भिड़ेगी ये टीम इससे ये टीम इससे ये टीम इससे हो गए ठीक है चार मैच हो गए या नहीं हो गए सही अब सपोज यहां से एक टीम जो भी जीतेगी जो भी विनर होगा वो आगे जाएगा एक टीम यहाँ से जो भी जीतेगी वो आगे जाएगी फिर वो आपस आप में भिड़ेंगे ठीक है दूसरे राउंड में फिर इनमें से जो भी विनर होगा वो आगे इनमें से जो भी विनर होगा वो आगे फिर ये आपस में भिड़ेंगे उसके बाद फाइनल राउंड थ्री में यहाँ पे जाएंगे एक आपस में भिड़ेंगे और जो भी जीतेगा वो हमारा विनर हो जाएगा तो अब देखो नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए एक दो तीन चार पाँच छ सात मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे एन माइनस वन दैट इज सेवन मैचेस आया नहीं आया समझ में देख रहे हो यहाँ पे हमें बाईस की जरूरत नहीं पड़ी थी सर बाईस की जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी बाईस की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी थी क्योंकि जो टीम्स थी वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो गई तो जरूरत ही नहीं पड़ी तो बाय की जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी आओ एक और करके देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हम अब सिक्स मैचेस का ट्राई करते हैं छ मैचेस का बना के देखते हैं ठीक है तो फिर से आपको कुछ बेसिक चीजें पहले कैलकुलेट कर लेनी है कि सर नंबर ऑफ टीम्स कितनी है छ मैचेस कितने होंगे एन माइनस वन पांच मैच होंगे ठीक है अब देखते हैं सर क्या हमें यहां पे बाइस देने पड़ेंगे बाइस कैसे निकलता है टू की पावर एन माइनस एन ठीक है ना टू की पावर एन माइनस एन चलो अब चेक कर लेते हैं हम लोग कि टू की पावर वन टू की पार टू टू की पावर थ्री तो देखो टू फोर एट अब हमारे पास था छ हमारे पास क्या था सिक्स था हमारे पास तो अब यहां पे जब सिक्स है तो सिक्स से बड़ा वाला नेक्स्ट हायर पावर या तो सिक्स हो या उससे बड़ा उससे बड़ा तो एट है तो हम यहां पे लिखेंगे टू की पार थ्री माइनस सिक्स तो ये आ गया एट माइनस सिक्स तो आपको दो बाईस देने पड़ेंगे इस बार कितने बाइस देने पड़ेंगे दो बाईस देने पड़ेंगे और ये जो टू की पार एन होती है थ्री यही आपके राउंड हो जाते हैं राउंड कितने होंगे तीन उसके बाद अपर हाफ में कितनी टीम्स होंगी इवन है तो एन अपॉइंट टू सिक्स अपॉइंट टू तीन लोअर हाफ में भी कितनी टीम होगी तीन होंगी लो बेसिक क्राइटेरिया सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है चलो वन टू तीन छ छ मैचेस नहीं छ टीम्स एक दो तीन चार पांच छ लो ये आपका अपर हाफ ये आपका लोअर हाफ ठीक है अब सर बाइज कैसे देते हैं बाइज मैंने आपको सिखाया था नून सर ये नून क्या है नून है नीचे नीचे का मतलब लोअर हाफ में सबसे नीचे इसको हम देंगे बाय फर्स्ट ऐसे ही देना यही प्रोसीजर है ठीक है नीचे नीचे का मतलब लोअर में नीचे उसके बाद ऊपर ऊपर का मतलब अपर में फर्स्ट अपर में फर्स्ट ये हो गया ठीक है अब उसके बाद ऊपर ऊपर लेकिन चलना इसी ऑर्डर में है, भाई ये हो गया पहले ठीक है नीचे से शुरू हुआ ना ये हो गया फिर ये हो गया अब इसमें कौन सा ऊपर तो इसको दूंगा बाय थर्ड इस तरीके से चलना है यहां पे तो दो ही देने थे लेकिन सपोज मैं आगे चलू अब यहां पे हो गया तो नीचे लेकिन इसमें नीचे वाला तो इसको दूंगा बाय फोर फिर उसके बाद अगर सर इससे ज्यादा देने हो तो फिर रिपीट कर दो नीचे यहां पर अब ये तो है नहीं तो इसके ऊपर वाला फिर ऊपर ऐसे बाइस दिए जाएंगे समझे किस तरीके से देने हैं मतलब कि आपको जो शुरुआत करनी है वो शुरुआत करनी है किस तरीके से नीचे से अब नीचे में भी नीचे तो नीचे में नीचे ये ऊपर ऊपर में ऊपर ये फिर ऊपर इसमें ऊपर वाला इस तरीके से आई बात समझ में परफेक्ट हो गया सही हो गया चलो ये बाइस दे दिया आपने अच्छा नंबर ऑफ राउंड्स कितने थे नंबर ऑफ राउंड्स तीन थे तो मैं यहां पे लिखता हूं राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री ठीक है अब इसको बाय मिल गया तो ये तो जाएगा सीधा राउंड टू में इसको भी बाय मिल गया ये भी जाएगा सीधा राउंड टू में तो राउंड वन में इन दोनों के मैच होंगे पहला मैच ठीक है इसमें से जो भी जीतेगा वो इससे भिड़ेगा ये पहले से राउंड टू में आया हुआ है इसमें से भी जो भी जीतेगा वो इनसे लड़ेगा फिर जो भी इन दोनों में से जीतेगा आपस में लड़ाई करेंगे और यहां से आपको विनर मिलेगा नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए एक दो तीन चार पांच जो कि मैंने आपको बताया था कि मैचेस कितने होंगे पांच होंगे आई बात समझ में तो सिक्स टीम्स का भी बना दिया हमने एट टीम्स का भी बना दिया हमने अब आपका होमवर्क क्या है प्रैक्टिस करो टेन टीम्स ये आपका होमवर्क है Even है इवन टीम्स आपको बना के ट्राई करनी है ठीक है चलो सर अब चलते हैं हम लोग किस पे अब हम चलते हैं ओर टीम्स के फिक्सर्स कैसे बनाने हैं जैसे सपोज थर्टीन टीम्स तो सर अगर तेरह टीम्स हैं तो क्या करना पड़ेगा आओ जी शुरू करते हैं सबसे पहले एन कितना हो गया थर्टीन मैचेस कितने होंगे एन माइनस वन थर्टीन माइनस वन बारह मैच यहाँ पे होने वाले हैं ठीक है उसके बाद सर बाईस बाईस कितने देने पड़ेंगे हमें यहाँ पे बाईस के लिए मुझे देखनी पड़ेगी टू की पार एन माइनस एन तो टू की पार वन टू की पार टू टू की पार थ्री टू की पार फोर देखो जरा काम हो रहा है क्या दो चार आठ सोलह हो जाएगा थर्टीन है थर्टीन तो मिला नहीं थर्टीन से बड़ा कौन सा है सिक्सटीन तो ये लेंगे टू की पार फोर टू ले की पार फोर माइनस थर्टीन तो सिक्सटीन माइनस दे कितने होंगे राउंड्स होता है टू की पार एन में एन चार राउंड्स हो जाएंगे ठीक है अब लोअर हाफ और अपर हाफ अपर हाफ में कितनी टीम होंगी एन प्लस वन बाई टू थर्टीन प्लस अपॉइट टू सेवन और लोअर हाफ में एन माइनस वन अपॉन टू थर्टीन माइनस वन ट्वेल्व अपॉन टू सिक्स तो देखो अपर हाफ में एक ज्यादा आई मैं ये बता रहा था आपको अपर हाफ में हमेशा एक ज्यादा आती है परफेक्ट हो गया सही हो गया चलो अब इसको बना के देखते हैं हमारे पास हैं थर्टीन टीम्स तेरह टीमें हैं तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ठीक है अब आपको क्या करना है अपर हाफ में सात टीम्स और लोअर हाफ में टीम्स देखो हो गई अपने आप अपर हाफ में सेवन लोअर हाफ में सिक्स बाईस कितने देने थे बाईस देने थे तीन तीन बाय देने और बाय कैसे देने हैं नून नीचे इसको मिलेगा ऊपर ऊपर खत्म नीचे होता तो ये होता ठीक है नहीं है नीचे ऊपर ऊपर नीचे फिर नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऐसे चलना था ठीक है राउंड कितने थे कितने राउंड आए थे चार राउंड आए थे तो यहाँ पे नून हटा रहा हूँ मैं राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री राउंड फोर ये तो गई राउंड टू में ये भी गई राउंड टू में ये भी गई राउंड टू में ये तो राउंड टू में जाएंगे ठीक है राउंड वन में इन दोनों का मैच होगा 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 और इन दोनों का मैच होगा हो गया ठीक है फिर इनमें से जो भी जीतेगा वो राउंड टू में जाएगा इससे लड़ेगा इनमें जो भी विनर्स होंगे वो आपस में लड़ेंगे जो विनर होगा वो इससे जो विनर होगा वो इससे ठीक है परफेक्ट अब राउंड थ्री में इन दोनों के विनर्स और इन दोनों के विनर्स और राउंड फोर फाइनली देखो हम पहुंच गए फाइनल तक और यहाँ से हमारा विनर आ जाएगा कितने मैचेस हुए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह मैचेस काउंट इसलिए करता हूं ताकि ये पता लगे कि मैंने सही फिक्सचर बनाया या नहीं बनाया ठीक है, है देखो बन गया ना आसानी से परफेक्ट ठीक हो गया चलो अब करते हैं इलेवन टीम्स लेट सपोज ग्यारह टीमें ग्यारह टीमें हैं तो अब तो फटाफट क्विकली कर लोगे क्विकली करना है अगर मुझे तो मैं क्या बोलूंगा सबसे पहले कि टीम्स कितनी हो गई एन इज इक्वल टू इलेवन मैच होंगे दस बाईस कितने होंगे बाईस जब हम निकालते हैं तो हम बोलते हैं टू के पार एन माइनस ग्यारह ऐसा लिख दूँ अब आपको पता अब तो याद हो जाना चाहिए दो चार आठ सोलह तो टू की पार फोर ही आने वाला है टू की पार फोर माइनस इलेवन सोलह माइनस ग्यारह इस बार पाँच बाईस देने पड़ेंगे आपको कितने बाईस देने पड़ेंगे पाँच बाईस देने पड़ेंगे ओके राउंड्स कितने होंगे चार राउंड्स होंगे अपर हाफ में कितनी टीम्स होंगी आपको पता है एक ज्यादा करनी है तो ग्यारह हैं, तो होंगी। लोअर हाफ में पांच होंगी वैसे अगर N +1 कर लेना एन माइनस वन पॉइंट टू कर लेना चलो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह हो गया छे ऊपर पांच नीचे बाइस देने बाईस आपको पता है नून यानी कैसे चलेगा नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे पांच देने थे मुझे इसमें हो गया नहीं हो गया देखो पांच बाइस देने थे मैंने टोटल पांच बाइस दे दिए कैसे चलना है यहां से चलना है नीचे ऊपर ऊपर नीचे आ गया अब देखो मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि अगर इवेंट टीम्स होती हैं तब तो हमेशा बाइस बराबर बराबर चलते हैं छह टीम्स ही तो एक एक मिला था लेकिन अगर टीम्स हैं तो ऊपर वाली को एक कम मिलता है नंबर ऑफ जैसे पांच थे तो तीन बाइज मिलेंगे बाइज में नीचे वाले हाफ में हमेशा एक, एक, एक एक्स्ट्रा बाय होता है देखो चेक करो यहाँ दो मिले यहाँ तीन मिले फॉर्मूला इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो इसीलिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस राउंड कितने हुए थे सर चार राउंड होंगे ना राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री राउंड फोर ये तो गई राउंड टू में ये भी गई राउंड टू में ये भी राउंड टू ये भी राउंड टू ये भी राउंड टू चलो भाई तुम लोग भिड़ो राउंड वन में पहला मैच दूसरा मैच राउंड वन में तीसरा मैच राउंड वन में जो भी जीतेगा वो इससे लड़ेगा जो भी जीतेगा वो इससे जो भी जीतेगा वो इससे और ये दोनों सीधा राउंड टू में लड़ेंगी ठीक है उसके बाद इनमें से विनर एक इधर यहाँ इनमें से विनर एक इधर और फाइनल आपका विनर विनर से हमें विनर मिलेगा नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस मैच हुए टेन मैचेस होने चाहिए थे ये हमने वेरीफाई कर लिया फिक्सचर हमारा बिल्कुल ठीक है आई बात समझ में इवन कैसे बनाना है अवार्ड कैसे बनाना है ग्यारह टीम हो गई तेरह टीम हो गई चलो अब तुम लोग ट्राई करोगे आज घर पे फिफ्टीन टीम्स नाइनटीन टीम्स ये आपका होमवर्क है बना के देखो प्रैक्टिस करके देखो 15 टीम्स 19 टीम्स में कैसे फिक्चर्स बनते हैं तो आई होप आप लोगों को फिक्सचर्स वाला पार्ट बढ़िया तरीके से समझ आया कैसे बनाने और ये हमने अभी करा है किसके अंदर बाइज के साथ ठीक है फिक्सचर्स में मैंने आपको सिखाया बाइज अब मैं आपको सिखाता हूँ फिक्सचर्स विद सीडिंग्स तो भाई अब मैंने सीडिंग का क्वेश्चन लिखा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन क्या आएगा ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ इलेवन टीम्स आउट ऑफ विच फोर आर सीडेड आपकी बुक्स में क्वेश्चन बहुत कॉमन है मैंने बुक खोली तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आया तो मैंने कहा यही करा देता हूँ तो क्या लिखा है ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ इलेवन टीम्स आउट ऑफ विच फोर आर सीडेड तो देखो ग्यारह टीम है ये हमने ग्यारह का फिक्सचर भी बनाया अभी। है अभी ये सिखाया मैंने आपको तेरह के बाद हमने ग्यारह का बनाया सही अब इसमें चार को सीड करना है तो हम सर सीडिंग कब करेंगे सीडिंग के लिए अभी आप पहले नॉर्मली जैसे चलते हो वैसे ही चलते रहो ठीक है ग्यारह टीम है तो आपने क्या करा था वन टू थ्री फोर अपर हाफ में छ होंगी लोअर हाफ में पांच होगी ठीक है ना ग्यारह टीम थी तो बाईस कितने देने पड़ेंगे बाईस में हमें पता था टू की पार फोर माइनस इलेवन टू की पार फोर यानी कि सोलह माइनस ग्यारह तो पांच बाइस आए थे राउंड कितने हो जाएंगे चार राउंड होंगे राउंड तो वन लो सर अब बाइस कैसे देते थे नून है ना तो नीचे ऊपर ऊपर नीचे फिर नीचे इस तरीके से चलता था चलता था या नहीं चलता था अब क्या करना है बेसिकली ये गया राउंड टू में ये भी गया राउंड टू में ये भी गया राउंड टू में ये दोनों भी गए राउंड टू में ये आपस में लड़ेंगे राउंड वन में ये भी आपस में लड़ेंगे राउंड वन में यही हम लोगों ने सीखा था ना बेसिकली यही सीखा था अब आपको क्या करना है आपको यहां पे इनकी सीड भी करनी है सीड कैसे करते हैं सर सीडिंग का क्या तरीका है सीड का मतलब उन्हें आगे ले जाओ सीड का मतलब क्या है उन्हें आगे ले जाओ तो सीडिंग के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्या चलता है प्रोसेस चलता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ठीक है लेकिन यहां पे याद रखना कि इस बार इस बार क्या होगा इस बार दो बार लगातार लोअर हाउस में आप रहने वाले हो ठीक है किस तरीके से होने वाला है मैं आपको बताता हूं कि क्या है हमारे पास लोअर हाफ में क्या करना है हमें किस तरीके से करना है देखो सीड करने के लिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये याद रखना तो देखो क्या करूंगा सबसे पहले किस तरीके से करना है हमें स्टार्ट करना है एक बार नोट कर लो फिर कहीं कहो हम लिख ही नहीं पाए ठीक है शुरू करें शुरू करें चलो सबसे पहले ऊपर तो ऊपर मतलब यहां से शुरू करूंगा कलर बदलता हूं इसको कर दूंगा ऊपर ये हो गया ऊपर ठीक है फिर नीचे ये हो गया नीचे ठीक है फिर ऊपर लेकिन अब आपको यहां नहीं जाना ये याद रखना ऊपर का मतलब इसी में रहना है ऊपर नीचे ऊपर एंड नीचे ऐसे चलना है ठीक है दोबारा से समझ लो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ठीक है ये तो बेसिक याद रखना सही अब ऊपर है तो अपर हाफ में नीचे है तो लोअर हाफ में अब अपर में नहीं जाना पहले लोअर में ही रहना है लोअर में फिर अपर में ऐसे और इस प्रोसेस को रिपीट करना है ये सीडिंग इस तरीके से करनी है समझ गए परफेक्ट हो गया बस अब आपकी सीडिंग हो गई तो ये जो सीडिंग वाली टीम्स है आगे चली जाएंगी और कुछ नहीं है बाकी वैसे ही पिक्चर जैसे बनता है को हमारी जो 22 और सीडिंग्स थी वो मैच कर गई जितने भी टीम को हमने सीड है वो ऑलरेडी अगले हाफ में थी अगले राउंड में थी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ठीक है अब क्या होने वाला है सर बस उसी तरीके से मैच होंगे इनके आपस में ठीक है इसको आगे ले जाओ इससे इसको आगे ले जाओ इससे इसको आगे ले जाओ इससे ये दोनों आपस में फिर ये इससे और इससे और यहाँ आपका सीधा नर आ जाएगा तो सीड कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से और ये याद रखना ऊपर नीचे ऊपर नीचे जिसमें लोअर हाउस में दो बार रहना है ठीक है ऊपर नीचे फिर नीचे उसी में ही उसी में ही और फिर ऊपर जाना है ठीक है ये याद रखना तो इस तरीके से हमारे पास आ, सीडिंग करी जाती है जो आपको पता होनी चाहिए तो बायज हो गया सीडिंग हो गया फिक्सचर्स हमने बना लिए नॉकआउट टूर्नामेंट के भी लीग टूर्नामेंट के भी नहीं लीग के नहीं बनाए नॉकआउट के बना दिए हमने इवन और अब चलते हैं लीग पे कि लीग में किस तरीके से फिक्सर्स बनाए जाते हैं तो गाइज बिफोर द लीग एक क्वेश्चन और है जो स्पेशल सीडिंग का है और स्पेशल सीडिंग का भी क्वेश्चन मैंने सोचा आप कर लो क्योंकि फिर अगर एग्जाम में डायरेक्टली आएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमने वीडियोस में एक एक चीज कवर करी है तो ये भी नहीं छुटना चाहिए तो देखो क्या क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन आता है ट्वेंटी प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ टेबल टेनिस टूर्नामेंट टेबल टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें बीस प्लेयर्स है ठीक है उनके फिक्सचर्स बनाओ लेकिन याद रखना कि चार प्लेयर को कैसे रखना है चार प्लेयर को हमें रखना है स्पेशल सीडिंग में फोर प्लेयर्स को हमें कैसे रखना है स्पेशल सीडिंग में अब सर स्पेशल सीडिंग क्या होता है तो जो स्पेशल सीडिंग होता है स्पेशल सीडिंग होता है कि इन प्लेयर्स को सीधा क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल्स में खिलाया जाएगा इनको शुरू में खिलाने की जरूरत नहीं है इनका प्रीवियस परफॉर्मेंस इतना शानदार है कि इनको भी रोक के कोई फायदा नहीं है ये जाएंगे सीधा किसके अंदर सेमीफाइनल्स uh, या क्वार्टर फाइनल्स में तो चलो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें फिक्चर्स कैसे बनाने हैं तो यार बीस टीम्स हैं वो बीस प्लेयर्स हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी प्लेयर्स हो गए अब देखो नंबर ऑफ टीम्स या प्लेयर्स हो गए ट्वेंटी मैचेस कितने होंगे 20 माइनस एक उन्नीस बायस हमें देने की जरूरत ही नहीं है क्यों नहीं ज़रूरत है क्योंकि देखो अगर देखा जाए हर टीम एक दूसरे से भिड़ सकती है बड़े आसानी से परफेक्ट है या नहीं है तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली बाएस के लिए क्वेश्चन ने बोला भी नहीं क्वेश्चन ने बोला कि आप स्पेशल सीडिंग कर दो स्पेशल सीडिंग करनी है चार प्लेयर्स की स्पेशल सीडिंग करनी है कितने प्लेयर्स की चार प्लेयर्स की नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे नंबर ऑफ राउंड्स के लिए मुझे देखना पड़ेगा टू की पावर एन माइनस एन टू की पावर एन माइनस एन तो आओ जरा चेक करें कौन सा चलेगा टू की पार वन टू की पार टू टू की पार थ्री टू की पार फोर तो ये आ गया दो चार आठ सोलह सर ये तो चलने ना टू की पार फाइव बत्तीस तक चलेगा ये हम तो है ना तो थर्टी टू और टू की पार फाइव तो ये जो फाइव है ये हमारे पास बन गया नंबर ऑफ राउंड्स आर आ गया पाँच आर कितना आ गया हमारे पास पांच आ गया तो हमें क्या करना होगा पांच राउंड होंगे आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव आर फाइव में फाइनल होगा ये सेमी होगा ये क्वार्टर फाइनल होगा तो हम एक काम करते हैं सीधा क्वार्टर्स में ले जाएं जिनकी सीडिंग करनी है चार प्लेयर्स की सीडिंग कैसे करनी थी मैंने आपको अभी सिखाया ऊपर नीचे ऊपर नीचे लेकिन लोअर हाउस में आपको दो बार हाउस कहता हूँ लोअर हाफ में आपको दो बार यहाँ पे रखना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले ऊपर तो ये हमारा हो गया पहला सीड फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ठीक है या नहीं है तो सीडिंग और बाइस में प्लीज ध्यान रखना गलती ना हो ओके ठीक है चलो जी अब क्या करना है इसको आप सीधा भेज दो कहां पे? ये तो गया सीधा क्वार्टर में ये भी गया क्वार्टर फाइनल में ये भी गया क्वार्टर फाइनल में और ये भी गया क्वार्टर फाइनल में अब राउंड वन में इन दोनों का मैच इन दोनों का मैच इन दोनों का मैच इन दोनों का मैच, दोनों का मैच. ठीक है राउंड टू में इनका इनका ठीक है राउंड वन में इन दोनों का इन दोनों का इन दोनों का और इन दोनों का फिर राउंड टू में इनका ऐसा हो गया ठीक है अब राउंड थ्री में एक पहले से बैठे हैं भाई साहब यहाँ भी एक पहले से बैठे हैं एक पहले से बैठे हैं एक पहले से बैठे हैं राउंड फोर सीधा सेमी हो रहा है ये लो जी लो जी और राउंड फाइव में होगा सीधा आपका फाइनल यहाँ से आपका विनर आ जाएगा परफेक्ट है या नहीं है कितने मैचेस हुए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस नाइनटीन मैचेस हमारे यहाँ पे हुए थे तो दिस इज हाउ स्पेशल सीडिंग की मदद से आप कर सकते हो डायरेक्टली क्वेश्चन ठीक है अब चलते हैं हम लोग किसके ऊपर लीग टूर्नामेंट के ऊपर लो सर अब लीग में क्या होगा लीग में हर टीम हर दूसरी टीम से भिड़ेगी अभी तक देखो क्या हो रहा था अभी तक क्या हो रहा था अभी तक जैसे सपोज ये 18 है इसका 19 से मैच हुआ और किसी से हुआ ही नहीं अगर सपोज ये हार गया तो बाहर लीग में ऐसा नहीं होता लीग में क्या होता है हर टीम एक दूसरी टीम से भिड़ती है तो यहाँ पे ना दो तरीके की क्वेश्चन आ सकते हैं पहले तो ये नोट कर लो अगर टीम्स ओड हैं तो थोड़ा सा फॉर्मूलाज चेंज होंगे इवन हैं तो थोड़े से फॉर्मूलाज चेंज होंगे ठीक है इसको नोट डाउन करो फटाफट से देखो टीम्स को हम यहाँ पे भी एन बोलेंगे नंबर ऑफ मैचेस जो पहले सीधा एन माइनस वन निकल रहे थे अब ऐसा नहीं है लीग में क्या होता है एन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस वन अपॉइंट होता है और जो नंबर ऑफ राउंड है वो हम एन को ही मान लेते हैं अगर ओड है अगर इवन है तो एन माइनस वन याद रखना ठीक है चलो सर साइकिल चलाना सिखा दो फटाफट से कैसे होगा तो अगर इवन है तो इवन में लेट सपोज मैं फोर टीम्स ले लेता हूँ ठीक है और ओड में बना के देखेंगे थ्री टीम्स का सही है जी चलो सबसे पहले चार टीम का बना के देखते हैं कि साइकिलिक मेथड में करना क्या है तो देखो साइकिलिक मेथड में हमें साइकिल चलानी है ओके अब सबसे पहले क्या करो सबसे पहले जितने भी नंबर ऑफ टीम्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो दो पार्ट्स में अगर चार टीम्स है तो दो दो हो जाएंगी सही अब मैं इसको कैसे लिखूंगा मैं ऐसे लिखूंगा वन टू थ्री फोर तो देखो इस तरीके से साइकिल चल रही है या नहीं चल रही है वन टू थ्री फोर अगर आप इधर से चलो वन टू थ्री फोर भाई कोई लेफ्ट हैंडेड है तो वो इस तरीके से भी चल सकता है तो आप एग्जाम में कैसे भी चल सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है चाहे ऐसे चल लेना चाहे ऐसे चल लेना आपका जो फिक्सचर बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा ओके okay? तो अब क्या कर रहा हूं मैं सिंस मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा मैं यहीं से ऐसे लेके चलूंगा अपना सिस्टम ओके okay? अब क्या करना है आपको देखो टीम्स कितनी थी हमारे पास चार टीम थी तो एन तो हो गया फोर नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे फोर फोर माइनस वन अपॉन टू दैट इज फोर इन टू थ्री अपॉन टू ट्वेल्व अपॉन टू तो छ मैच होंगे ठीक है छ मैच होंगे राउंड्स कितने होंगे राउंड्स होंगे हमारे पास एन माइनस वन यानी फोर माइनस वन तीन राउंड होने वाले हैं राइट right. तो ये तो हो गया मेरा पहला राउंड दिस इज माई फर्स्ट राउंड एक राउंड टू ले लूंगा एक राउंड थ्री ले लूंगा आप चाहो तो उधर भी ले सकते हो क्योंकि तो आदत वैसी पड़ी हुई है अरे, अरे 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 तो हम लोग क्या कर सकते हैं राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री ठीक है अब यहाँ पे क्या करना है देखो यहाँ पे आपको इसको करना है फिक्स्ड एक टीम को आपको फिक्स कर लेना है ठीक है यहाँ पे भी मैंने लिखा वन ये फिक्स्ड हो गया यहाँ पे लिखा वन ये फिक्स्ड हो गया अब फिक्स करने के बाद आपको साइकिल चलानी है सर साइकिल कैसे चलानी है यहाँ पे जगह बदलेगी यानी ये वाली टीम यहां जाएगी ये वाली टीम यहां आ जाएगी और ये वाली टीम घूम के यहां जाएगी क्योंकि वन तो फिक्स है ना ठीक है तो अब क्या होगा टू पहुंच जाएगा यहाँ तीन की जगह पे तीन पहुंच जाएगा चार की जगह पे चार आ जाएगा यहां पे घूम गया चल गया साइकिल अब क्या करना है फिर साइकिल चला दो ये इधर ये इधर और ये घूम के यहाँ वन फिक्सड है टू ऊपर आ जाएगा थ्री यहाँ आ जाएगा चार यहां आ जाएगा ठीक है अब अगर मैं और आगे चलूँ तो फिर साइकिल चलेगी अगर साइकिल चलेगी तो वन तो फिक्स है तो फिर दो घूम के यहाँ तीन यहाँ चार यहाँ ये ऑलरेडी हो चुका है देखो हो गया नहीं हो गया तो ये तो होना ही नहीं था क्योंकि राउंड मुझे पहले ही पता था कि कितने होने वाले हैं तीन ही होने वाले हैं हमें पहले से ही पता था कि राउंड्स कितने होंगे थ्री होंगे तीन हो गए या नहीं हो गए परफेक्ट है तो अब अगर देखा जाए अब क्या होगा यहाँ पे आपके फिक्सर्स तैयार है यार आपके फिक्सर्स तैयार हैं सर बन भी गए और क्या देखो अब क्या होगा वन का फोर से मैच होगा टू का थ्री से मैच होगा वन का थ्री से होगा फोर का टू से होगा वन का टू से होगा और थ्री का फोर से होगा तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए दो चार छः उसके बाद रैंकिंग्स बनेंगे पॉइंट्स बनेंगे और पॉइंट्स के आधार पे हम चीजें फाइनलाइज कर देंगे दिस इज हाउ साइक्लिक मेथड से एक लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर्स बनाए जाते हैं समझे सर अगर टीम ओड हो अच्छा इसका होमवर्क तो ले लो चार टीम्स हैं तो छह टीम्स का आप ट्राई करोगे सिक्स टीम्स ये आप ट्राई करोगे अगर तीन टीम है सर फिर क्या करें अब तीन टीम है तो दो पार्ट्स में डिवाइड कैसे करूं अभी तक तो ये होता तो था वन टू थ्री फोर अब यहाँ पे फोर तो है नहीं तो यहाँ पे कौन किससे लड़ेगा भाई तो आपको क्या करना पड़ेगा अब आपको यहाँ पे बाईस देने पड़ेंगे फिर से क्या देने पड़ेंगे बाईस देने पड़ेंगे बट बिफोर दैट कुछ बेसिक कैलकुलशंस कर लें नंबर ऑफ टीम्स कितनी है नंबर ऑफ टीम्स हैं तीन नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे थ्री इंटू थ्री माइनस वन अपॉइंट टू राउंड्स कितने होंगे तीन ही राउंड्स होने वाले हैं क्योंकि इसमें तो एन के बराबर हो जाता था याद रखना लीग है ओर्ड में जो नंबर ऑफ राउंड्स है वो एन ही होते हैं राइट तो यहां पे कितना होगा थ्री इंटू टू तीन तीन मैचेस होंगे यहाँ कितने मैचेस होने वाले हैं तीन मैचेस होने वाले हैं यस yes. चलो अब क्या करना है आपको बाएस देना है ना तो तीन राउंड्स हैं राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री आप सबसे पहले बाय ही लिख लो सबसे पहले बाय लिख लो और इस बाय को कर लो फिक्स्ड इसको फिक्स कर लो अब लिखो वन टू थ्री पहला राउंड बन गया अब सर्कल घूमेगा साइकिल है साइकिल आगे चलेगी तो तीन घूम के यहां आ जाएगा वन यहां टू यहां ठीक है फिर अगले में टू यहां थ्री यहां वन यहां सही है देखो वन यहां से घूम के यहां पहुंचा फिर ऊपर पहुंचा वापस यहीं आ जाएगा तो यही होने वाला है यही होने वाला है तो अगर तीन टीम है तो वन का टू से वन का थ्री से टू का थ्री से यही मैचेस बनते हैं और आपके इसी तरीके से फिक्सर्स तैयार होते हैं मेथड में। बात समझ में आई चलो अब ओवर्ड का भी आप एक होमवर्क फाइव टीम्स का आप बना के देखना कि पांच टीम्स का साइकिलिक से आपसे सही से बन रहा है या नहीं बन रहा है समझ गया किस तरीके से करना है साइकिल वेरी सिंपल वेरी सिंपल एग्जाम में आ जाता स्क्रीन स्क्रीनशॉट ले लो अब हम चलते हैं स्टेयर केस मैथड की तरफ जो कि है हमारा लास्ट टॉपिक लास्ट एंड द इजिएस्ट मैथड इसके अंदर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इवन ओड का कोई पंगा ही नहीं है सो स्क्रीन लो या नोट करो हमारे पास स्टेयर केस मैथड में चाहे इवन हो चाहे ओड हो टीम्स को वही एन बोलेंगे नंबर ऑफ टीम्स एन रहेगा नंबर ऑफ मैचेस एन एन माइनस वाला और नंबर ऑफ राउंड एन माइनस वन एक ही बार चलने वाला है ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इवन ले लें तो चार टीम का बना के देख लेते हैं ऑर्ड ले लें तो पांच टीम का बना के देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है सिक्स टीम्स दिस इज योर होमवर्क स्टेयर केस से बना के देखोगे और सेवन टीम्स ठीक है तो ये आपका होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए ट्राई करना एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? अब देखो आपको क्या करना है सिंपली अगर चार टीम है सर तो एन तो फोर ही रहेगा यहाँ पे एन फाइव रहेगा नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे इनके तो मैचेस होंगे फोर फोर माइनस वन पॉइंट टू मैच यानी कि फोर इंटू थ्री ट्वेल्व टू सिक्स मैचेस होने वाले हैं यहाँ पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो फाइव फाइव माइनस वन अपॉइंट टू फाइव फाइव माइनस फोर फोर फाइव ट्वेंटी अपॉइंट यहाँ पे दस मैच होंगे टोटल और जो नंबर ऑफ राउंड है वो एन माइनस वन तो राउंड यहाँ पे तीन होंगे चार माइनस एक पांच माइनस एक यहाँ पे जो राउंड हैं वो चार होंगे सही है परफेक्ट है अब हमें स्टेयर्स बनानी है स्टेयर केस क्या है सीडिया बनानी है तो सर सीडिया कैसे बनानी है आओ सबसे पहले चार टीम्स का देखते हैं तो बड़ा सिंपल है चार टीम्स है ना पहली टीम पहले किससे भिड़ेगी सेकंड से फिर थर्ड से फिर फोर्थ से हो गया काम फर्स्ट टीम पहले किससे मैच खेला सेकंड से फिर थर्ड से फिर फोर्थ से सबसे खेल लिया अब सेकंड देखो सेकंड फिर से भाई सेकंड फर्स्ट से सेकंड थर्ड से सेकंड फोर्थ से लेकिन फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट ये तो हो चुका है तो दोबारा थोड़ी ना होगा तो इसे हटा दो इसकी जरूरत नहीं है ये हो चुका है भाई ठीक है या नहीं है तो बस सेकंड थर्ड से खेलेगी और फोर्थ से

राउंड मैंने आपको बताया था कि हो अब देखो अगर सर पांच टीम्स हो फिर क्या करना है फिर क्या कुछ कंफ्यूजन है कुछ भी नहीं यार इस बार चार राउंड्स होंगे पांच टीम है ना करो काम शुरू वापस से पहली टीम किससे दूसरी से तीसरी से चौथी से पांचवी से हो गया काम अब सेकंड वाली फर्स्ट से ऑलरेडी भिड़ चुकी है तो सेकंड वाली थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ से तीसरी वाली फर्स्ट और सेकंड से ऑलरेडी खेल चुकी है तो तीसरी वाली चौथी से खेलेगी और पांचवी से खेलेगी फोर्थ वाली पहले से दूसरे से तीसरे से ऑलरेडी हो चुका है चौथी पांचवी से खेलेगी बस खत्म हो गया डन आओ पांचवी वाली सबसे हो चुका है फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर हो गया ठीक है बना दो सीढ़ियां लो राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री राउंड फोर स्टेयर केस मैथड तैयार राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री राउंड फोर मैंने बताया था चार राउंड्स होंगे दस मैच होंगे कर लो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस मैच हो गए तो दिस इज हाउ गाइस स्टेयर केस मैथड में फिक्सर बनते हैं आई होप I really hope आप को बहुत अच्छे से, से टेबुलर मेथड जो कि लेटेस्ट इसी साल add हुआ है और कोई भी चीज नई add होती है तो उसके आने के चांसेस बन जाते हैं तो बहुत ध्यान से सीखना है और प्रैक्टिस करनी है ठीक है देखो यार टेबुलर मेथड में क्या होता है टेबुलर मेथड में आपको एक टेबल बनाना है और उस टेबल को बनाने के साथ साथ या डिसाइड कर लोगे सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अगर इवेंट टीम्स है यानी कि दो चार छः आठ दस टीम्स है और या फिर ओट टीम्स है ओके चलो स्टार्ट करते हैं हम इवेंट टीम्स के साथ तो इवेंट में एग्जाम्पल ले लेते ले ले हैं हम लेट सपोज चार टीम्स है तो कितनी टीम्स हो गई फोर तो नंबर ऑफ टीम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसके बाद नंबर ऑफ राउंड आपको पता होना चाहिए और फिर नंबर ऑफ ब्लॉक्स या फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको पता होना चाहिए ठीक है कुछ लोग नंबर ऑफ ब्लॉक्स बोलते हैं कुछ लोग नंबर ऑफ बॉक्सेस बोलते हैं तो आप दोनों ही लिख सकते हो एग्जाम में ऐसे स्लैश करके भी लिख सकते हो और right? तो देखो नंबर ऑफ टीम्स हमने ले ली एन एन का मतलब मैंने ले ली चार ठीक है राउंड्स कितने होंगे अगर इवन है तो एन माइनस वन अगर ओड है तो वो सेम एन ही होते हैं ठीक है लेकिन ओड की बात बाद में करेंगे पहले आप इवन में याद रखना राउंड्स कितने होंगे N -1. तो राउंड्स राउंड्स कितने होंगे इसके अंदर इसका मतलब तीन होने वाले हैं ठीक है नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बनाने हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें बनाने हैं एन प्लस वन नंबर ऑफ टीम्स फोर है तो फोर प्लस वन यानी कि पांच बॉक्स बनेंगे सर पांच बॉक्स बनेंगे इसका क्या मतलब है पांच बॉक्स बनेंगे इसका मतलब है बेटा जी हमें एक इस तरीके का स्क्वायर सा डब्बा बना लेना है ओके okay. अब इसके अंदर पांच बॉक्स हॉरिजॉन्टल होने चाहिए और पांच बॉक्स ही वर्टिकल होने चाहिए फाइव बाय फाइव तो कैसे बनेंगे सर एक दो तीन चार देखो एक दो तीन चार पांच अब देखो एक दो तीन चार लो सर बन गया अब देखो फाइव बॉक्सेस इधर है फाइव बॉक्सेस इधर है है या नहीं है ठीक हो गया ये आपको बनाना आना चाहिए राइट फिर क्या करो इसको बिल्कुल इक्वली डिवाइड डिवाइड कर दो तो सेंटर में से से इस तरीके से, लो सर हो हो गया हो गया थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढा कोई नहीं चलेगा अब मैंने जो लाइन खींची है ना बच्चों ध्यान रखना है कि इस बॉक्स में कुछ नहीं लिखा जाएगा इसमें भी कुछ नहीं लिखा जाएगा इसमें भी कुछ नहीं लिखा जाएगा इसमें भी कुछ नहीं लिखा जाएगा और इसमें भी कुछ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बिल्कुल सेंटर से लाइन खींचनी है आपको इस तरीके से लो लोअपा सही खींच गए ठीक है कोशिश करता हूँ पहले वाली लाइन अगर हट जाए ये वाली लाइन क्या सेलेक्ट हुआ भाई नहीं पूरा सेलेक्ट नहीं करना मुझे बस एक लाइन सेलेक्ट करनी है वो ऑलमोस्ट ठीक हो गई है चलो परफेक्ट है समझ गए ना ठीक है तो जो आपने बिल्कुल सेंटर में लाइन खींची है उसमें कुछ नहीं लिखना ओके हो गया चलो सर समझ गए अब टीम्स कितनी थी चार टीम्स थी चार टीम्स का नामकरण कर दें ए बी सी डी चार टीम्स है चलो नाम लिख दो एक ए एक है बी एक है सी एक है डी एक है ए एक है बी एक है सी एक है डी लो सर चार टीम्स के हम लोगों ने नाम लिख दिए अब सर कितने राउंड होने वाले राउंड होंगे तीन तो राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री ओके तो यहाँ पे लिख दो वन टू थ्री लिख दिया अब वन के नीचे टू आता लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं यहाँ लिखना नहीं है टू के नीचे क्या आएगा सर थ्री आएगा बहुत अच्छे थ्री के नीचे क्या आएगा अब देखो थ्री के नीचे खत्म हो गया तो वापस से वन से शुरू होना चाहिए लेकिन यहाँ गलती मत करना लास्ट वाले बॉक्स में आपको पहले इवन नंबर लिखने हैं फिर ओड नंबर लिखने हैं जहां पे राउंड खत्म हो जाएगा ना जैसे वन टू थ्री थ्री के बाद वन आना चाहिए लेकिन क्योंकि आखिरी लाइन है लास्ट लाइन में ध्यान रखना है कि पहले इवन लेना है फिर ओड लेना है तो थ्री के बाद पहले टू फिर वन ओके ठीक हो गया अब देखो बस अब सर हमें क्या करना है राउंड वन में राउंड टू में और राउंड थ्री में किस किस का मैच होगा सबसे पहले राउंड वन का देखते हैं हम लोग ठीक है तो राउंड वन कहा है देखो वन सबसे पहले ये रहा तो वन के सामने कौन है इधर ए और इधर कौन है बी तो जो सबसे पहला मैच होगा वो होगा ए वर्सेस बी ठीक है फिर वन कहा है ये रहा सी और इधर कौन है डी तो दूसरा मैच होगा सी वर्सेस डी ये राउंड वन में मैच होंगे सबसे पहले ठीक है अब राउंड टू में देखो टू कहाँ है ये रहा सर टू तो ए इधर सामने कौन है सी तो राउंड टू में सबसे पहले मैच होगा ए वर्सेस सी ठीक है सर फिर टू कहाँ है ये बी और सामने कौन है डी तो अब मैच होगा बी वर्सेस डी बहुत बढ़िया राउंड थ्री में ये ए सामने कौन है डी तो सबसे पहले मैच होगा ए वर्सेस डी उसके बाद किसका होगा थ्री कहाँ है ये रहा बी वर्सेस सी देखो ये बन गए हमारे पास तीन राउंड्स के फिक्स्टर्स तैयार समझे तो दिस इज हाउ बेटा जी टैबुलर मेथड से फिक्स्टर्स बनाए जाएंगे जब टीम्स कैसी हो इवन हो ठीक है जी परफेक्ट है स्क्रीनशॉट लो जल्दी-जल्दी से फटाफट से डन हो गया सर एक और समझाओ ना प्लीज आ जाओ एक और करते हैं एक और करके देखें आओ अब हम एक काम करते हैं ये हटा रहा हूं मैं ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया ना हां जी आओ देखो इसे हटाते हैं अब हम फटाफट से इवन के लिए ले लेते हैं कितनी टीम्स लें छह टीम्स ले लें चलो नंबर ऑफ टीम सिक्स ले ली मैंने इस बार ठीक है नंबर ऑफ टीम सिक्स ले ली राउंड्स कितने होंगे सिक्स माइनस वन पांच राउंड होंगे ठीक है सर और नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बनाने पड़ेंगे सिक्स प्लस वन सेवन मुझे बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे सही है सर चलो अब वापस से एक डब्बा बनाता हूँ सबसे पहले इस बार मुझे सेवन बॉक्सेस बनाने हैं ना सिक्स प्लस वन यस एक दो तीन चार पाँच छवन बॉक्स बन गए एक दो तीन चार पाँच छ सेवन बॉक्सेस बन गए बेटा देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात एक दो तीन चार पाँच छः सात ठीक है जी ये बिल्कुल सेंटर में एक लाइन खींच दो जिस बॉक्स में आपने सेंटर में लाइन खींची है उसको यूज नहीं करना है और उसके नीचे वालों को भी यूज नहीं करना है बस ऊपर ऊपर वाला फर्स्ट हाफ आपको यूज करना होता है ठीक है नंबर ऑफ टीम छ है नामकरण कर दे ए बी सी डी ई एफ ओके ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ये नीचे वाला बिल्कुल खाली रहता है इसका कोई यूज नहीं है ठीक है ये बिल्कुल खाली रहने वाला है इसका कोई यूज नहीं है अब देखो नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे पांच राउंड वन टू थ्री फोर फाइव पांच राउंड होने वाले हैं तो राउंड वन में किस किस का मैच होगा राउंड टू में राउंड थ्री में राउंड फोर में राउंड फाइव में ये हम अभी देख लेंगे सही है जी चलो भाई अब राउंड्स लिखने शुरू करो कितने थे वन टू थ्री फोर फाइव राइट वन टू थ्री फोर फाइव अब लास्ट वाली लाइन को बड़े ध्यान से बनाना है बाकी तो आपको नंबर पूरा करना है ठीक है टू के बाद क्या आएगा थ्री थ्री के बाद क्या आएगा फोर फाइव ये यूज नहीं करना फोर के बाद क्या आएगा फाइव खत्म हो गया तो फाइव के बाद वन टू यहां कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये लाइन आ रही है इसमें तो मुझे कुछ लिखना नहीं है तो यहां तक तो बिल्कुल सही चलता रहेगा आराम से आखिरी वाला बड़े ध्यान से भाई आखिरी वाले में फिर बोल रहा हूं पहले इवन फिर ओड ओके तो पांच के बाद इवन वाले ये टू फोर पहले ये लो फिर ओड वाले वन थ्री ये खाली ठीक हो गया सर समझ गए किस तरीके से करना है तो दिस इज हाउ आप इस टेबल को तैयार करोगे ओके बस अब शुरू हो जाओ राउंड वन में सबसे पहले वन ए और बी ए वर्सेस बी फिर कहा है वन वन इसमें नहीं है वन ये रहा सी एंड ई फिर कहा है वन वन ये रहा डी एंड एफ लो सर पहला राउंड खत्म सेकंड राउंड कहां है येरा और सी ए एंड सी फिर सेकंड राउंड कहां है येरा बी एंड एफ लो सर फिर सेकंड राउंड कहां है येरा डी और ई e. लो सर थर्ड राउंड पे आ जाओ चलो ए वर्सेस डी ठीक है सर ए और डी फिर बी एंड सी बी एंड सी फिर कहा है थर्ड 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 ये रहा ई एंड एफ लो सर चौथा राउंड ये रहा ए एंड ई ए वर्सेस ई ठीक है और कहा है चौथा राउंड ये रहा सर बी एंड डी चलो सर और कहा है चौथा राउंड ये रहा सी एंड एफ और पांचवा राउंड चलो भाई ए वर्सेस एफ ठीक हो गया फिर बी वर्सेस ई फिर कहा है ये रहा लास्ट सी वर्सेस डी तो देखो ऐसे हमारे पास फिक्सचर्स तैयार हो जाएंगे टेबुलर मेथड से जब जो नंबर ऑफ टीम्स है वो इवन हो समझ गए ठीक हो गया चलो सर ये तो हमें समझ में आ गया इस तरीके से बनाना है अब चलते हैं अगर ऑफ तो होमवर्क अच्छा, ले लो इसका कर लेना। number of teams, चार मैंने मैंने बना बना के दिखा बना के दिखा दिखा दिया, दिया, का आपका होमवर्क है बना के देखना कि एक टीम से कैसे बनता है ओके चलो अब चलते हैं हम ओड पे ओड पे कितने नंबर ऑफ टीम्स ले लें हम ओड पे हम लोग नंबर ऑफ टीम्स ले लेते हैं सपोज कितने लू पांच ले लू फाइव टीम्स ले लें चलो फाइव टीम्स ले लेते हैं ठीक है परफेक्ट हो गया पांच टीम ले, ले लेते हैं अब जब भी टीम्स ओड होती हैं तो आप अभी बहुत सारे फिक्सर्स बना के आए हो तो आपने देखा हमेशा बाय की जरूरत पड़ती है तो यहां पे भी हमें किसी ना किसी टीम को बाय तो देना पड़ेगा इसका मतलब कोई ना कोई राउंड में कोई ना कोई टीम नहीं खेलेगी क्योंकि बाय देना पड़ेगा भाई जब भी ओड टीम्स होती हैं यूजुअली बाय देना पड़ता है है ना तो अब देखो क्या होगा कैसे होगा सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स एन पांच ले लिया हमने नंबर ऑफ राउंड भी इसमें सेम ही होंगे Ode में ध्यान रखना number of rounds सेम होंगे ओके okay? और नंबर ऑफ प्लस टू है उधर प्लस वन था इधर प्लस टू है फाइव प्लस टू यानी कि सात बॉक्स इसके अंदर भी बनेंगे ठीक है तो ये प्लीज ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको अच्छे से लर्न करके जाना है ओल्ड के लिए और इवन के लिए इसमें गलती मत करके आना ठीक है चलो भाई आ जाओ फटाफट से बॉक्स बना देते हैं कितने बॉक्सेस बनने हैं सेवन डब्बा बनाओ डब्बा स्केल से बनाना बढ़िया अगर आया तो एक दो तीन चार पाँच छवन बन गए इधर भी सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन ठीक हो गया परफेक्ट हो गया अब जल्दी से सेंटर से बिल्कुल से लाइन खींच दो लो सर ये तैयार होगी लाइन कोशिश करना आप लोग सेंटर से जाए इस तरीके से टेडी मेडी ना जाए यार तुम्हारे पास स्केल होगा तुम लोग स्केल से खींच सकते हो मेरी तो थोड़ी इधर उधर हो जाती है है ना अरे इधर आ इधर इधर आ बेटा ये आ जाओ ठीक है परफेक्ट हो गया चलो सर तो हमारी लाइन लगभग ये हो गई ओके चलो नंबर ऑफ टीम्स कितनी है पांच है तो इनका नामकरण कर दें ए बी सी डी और ई e. चलो भाई ए बी सी डी और ई e, आखरी वाले को बाय देना है राइट इधर भी ए बी सी डी ई e, आखिरी वाले को बाय दे देना है ठीक है ना एक ब्लॉक खाली रहेगा उसमें बाय लिखना है आपको सही है अभी आप सेवन टीम्स का आपका होमवर्क है ये आप खुद बनाओगे Oad में टीम्स का बना के देखना आखिरी वाला ब्लॉक खाली आएगा उसमें बाय लिख देना ठीक है है चलो भाई अब क्या करना नंबर ऑफ कितने होंगे एक दो तीन चार पांच तो इस बॉक्स में कुछ नहीं भरना इसमें कुछ नहीं भरना इसमें कुछ नहीं भरना ये लाइन प्लीज सीधी खींचना इसमें कुछ नहीं भरना इसमें कुछ नहीं भरना और इसमें कुछ नहीं भरना सही है ये लाइन प्लीज आप लोग स्ट्रेट खींच लेना राइट चलो दोबारा से देखू क्या मैं कोशिश करूं इस लाइन को खींचने की बस ठीक है चलो भाई अब हम नंबर ऑफ राउंड फिल करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है अब दो के बाद तीन तीन के बाद चार पांच चार के बाद पांच पांच के बाद एक दो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पांच के बाद एक लिखने में कहा प्रॉब्लम है लास्ट वाले में पांच के बाद पहले इवन इवन वाला मतलब दो चार ठीक है अब छह तो है नहीं तो एक तीन सही हो गया परफेक्ट हो गया चलो भाई अब राउंड वन में किस किस का मैच होगा आ जाओ देखते हैं राउंड वन में सबसे पहले तो ये ये रहा राउंड वन ए एंड बी ए वर्सेस बी फिर कहा है राउंड वन ये रहा सी ई सी एंड ई सी वर्सेस ई फिर कहा है राउंड वन ये रहा कौन कौन है देखो बाय डी को बाय मिलेगा डी को बाय मिलेगा यानी राउंड वन में डी आराम करने वाला है चलो राउंड टू में चलते हैं राउंड टू में कौन कौन भिड़ेगा सबसे पहले ए और सी ए वर्सेस सी और कहा है राउंड टू ये रहा। इस बार बी को बाय मिलेगा देखो बी को बाय यानी बी तो करने वाला है आराम तो मैं नीचे लिख दिया बी को बाय और कहा है टू ये डी और ई e भिड़ेंगे आपस में डी वर्सेस ई चलो भाई अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड राउंड थर्ड राउंड ये रहा ए और डी राउंड थ्री में ए वर्सेस डी सबसे पहले फिर कहा है थ्री एरा बी और सी बी और सी भिड़ेंगे आपस में फिर कहा थ्री एरा तो इस बार ई e को बाय मिलेगा ई e करेगा आराम देख रहे हो सबको एक एक राउंड में बाय मिल रहा है इसमें डी नहीं खेल रहा इसमें बी नहीं खेल रहा इसमें ई e नहीं खेल रहा लास्ट तक देखोगे आपकी हर टीम को एक एक बाय मिल जाएगा ओके okay? चलो अब आगे चलते हैं फटाफट से फोर्थ राउंड पे राउंड फोर में कौन कौन खेलने वाला है राउंड फोर में सबसे पहले ए और ई ए वर्सेस ई फिर यहां पे बी वर्सेस डी बी वर्सेस डी फिर यहां पे इस बार सी को बाय मिलेगा इस बार सी को मिलेगा बाय चलो भाई ये भी समझ गए उसके बाद राउंड फाइव जाता हूं राउंड फाइव पे अगर मैं आ जाऊं तो राउंड फाइव में ए को बाय मिलेगा ए को बाय मिलेगा ए को मिलेगा बाय ठीक है ये राउंड फाइव हो गया इसमें बी और ई बी वर्सेस ई और पांचवा कहा बचा ये बचा सी वर्सेस डी सी वर्सेस डी देखो पांच ही राउंड होने थे अब देखो सबको बाय मिल गया डी को बी को ई e को C को और A को सबको एक एक बार बाय मिल गया और प्रॉपर फिक्सचर्स इस तरीके से तैयार हो गए समझे तो दिस इज हाउ बच्चे ये फिक्सचर्स तैयार हो जाते हैं टेबुलर मेथड से जब नंबर ऑफ टीम्स ओड हो तो प्लीज ध्यान रखना जब भी नंबर ऑफ टीम्स ओड हो तो आपको बाय का यूज़ करना पड़ेगा इवन में आपको बाय का यूज नहीं करना पड़ता इवन में आप डायरेक्टली आसानी से बना पाते हो ठीक है लो जी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसके राउंड सारे पूरे नहीं आ रहे इधर करता हूँ थोड़ा सा अभी देखो ठीक है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको टेबुलर मेथड भी समझ में आ गया होगा अब आपके पास होमवर्क भी है इवन में आपको एट टीम्स का बना के देखना है और ओड में आपको सेवन टीम्स, टीम्स का बना के देखना है बस एक एक बार प्रैक्टिस कर लेना और इसी के साथ दोस्तों आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है फिजिकल एजुकेशन की मैंने पूरी प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें लाइन वाइज चैप्टर्स लगा दिए हैं तो आप बड़े आराम से जाके कोई भी चैप्टर तैयार कर सकते हो और आपका एग्जाम मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा होगा ठीक है ऑल द वेरी बेस्ट एवरी आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून चिल्ड्रन टेक केयर बाय